भाई आ जाओ रे, आ जाओ भाई एक बार, आ जाओ सारे भाई, रे आ जाओ सारे। लोग आपके यहाँ आए हुए हैं और कैसे रेस्क्यू चलाया जा रहा है, क्या प्रशासन के साथ तालमेल बनाया गया? जैसे हमें प्रशासन की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिली अभी शाम को लगभग 7 बजे, तो उसी वक्त हमने अपने कॉलोनीज में सेवादारों के लिए अनाउंस कर दिया अभी इस तरह से एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलना है। अभी इमीजिएटली नहर टूट रही है और गांव में पानी आने का अंदेशा हो रहा है, जैसा हमें इन्फॉर्मेशन मिली। तो सारे कॉलोनियों के सेवादार एक जगह इकट्ठे हो गए पंडाल में, इकट्ठे होकर गाड़ियाँ तैयार कर ली गई कैंटर, तो तीन चार कैंटर मतलब लगभग 200-250 के लगभग हमारे जो सेवादार हैं वो यहाँ आए हैं और अभी सारा मुआयना करके वहाँ साथ में वहाँ SDM साहब भी हैं, वहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स हैं, SC साहब हैं, एक्शन साहब हैं, तो उनके साथ ही ये सारा देख के और अल्टीमेटली जो टेक्निकल बंदे हमारे हैं उन्होंने ये प्लान किया है कि अभी रात को हम कट्टे भरेंगे मिट्टी के, क्योंकि वो जगह ब्रीच वाली जहाँ जगह है वहाँ तक ट्रैक्टर ट्राली का जाना बहुत मुश्किल है और रास्ते में धस जाती है। ये सारा एरिया दलदल का एरिया है, सेम का एरिया है, तो इसलिए ये सोचा इस रोड के ऊपर अभी रात को कट्टे भर लेंगे और सुबह फिर उन कट्टों से वो बंद जो है बांध देंगे। डॉक्टर साहब, ग्रामीणों को काफ़ी आस है क्योंकि ग्रामीणों के काफ़ी सैकड़ एकड़ फसल जो है बर्बाद हो चुकी है, क्या डेरा अगर रात में रेस्क्यू पूरा नहीं होता क्या आगे भी इनके साथ खड़ा रहेगा? 101% खड़ा रहेगा, हमारे गुरुजी की शिक्षा है यही। ये तो हमारे पड़ोस में, हम तो विदेशों में जाके भी ऐसी सेवा करते रहे नेपाल में, और तो ये तो हमारे गुंडी भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सुबह जैसे ही रोशनी होगी 6-7 बजे के लगभग हमारे संग मतलब सेवादार आएंगे और जो काम प्लान किया है अब हमने उसको सुबह एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, थैंक यू। और मोस्ट प्रोबेबली 2-1 घंटों का काम होगा, 2-3 घंटों में लगता है कि 2-4 घंटों में हम ये बांध देंगे। ठीक, थैंक यू।